अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलहा है और आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। आजकल एसी ब्लास्ट होने के बहुत ज़्यादा वाकयात जो है वो सामने आ रहे हैं। तकरीबन आई थिंक के 16 से 18 के करीब कुछ एसी जो है वो ब्लास्ट कर रहे हैं। इनकी वजूहात के बारे में आज चर्चा करेंगे कि क्या वजह है जिसकी वजह से एसी जो है वो हमारे ब्लास्ट कर रहे हैं और क्या रीज़न है, ठीक है, क्या क्या एहतियात करनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आए, ठीक है, और जो इसका रीज़न है जो एसी ब्लास्ट होता है हमारा वो आप जान सकें कि इसकी वजह क्या है, आपका एसी जो है कहीं आपके लिए बॉम्ब ना बन जाए, ठीक है। अच्छा, हमारे दोस्त हैं, हमारे कोई भाई हैं जिन्होंने वीडियो में दिखाया है कि टॉर्च लगा के और गेज वगैरह लगा के वो R-32 जो गैस है उसको दिखा रहे हैं कि वो फ्लेम जो है वो फॉलो नहीं कर रही, फ्लेम को फ्लेम के सामने रिएक्ट नहीं कर रही, ठीक है। अच्छी बात है, ठीक है, R-32 बेसिकली गैस जो है वो फ्लेमेबल नहीं है, ठीक है। अब वो कौन सी गैस है जो फ्लेम के आगे रिएक्ट करती है, फ्लेम को फॉलो करती है, ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में आज इंशाल्लाह बताने जा रहा हूँ। तो बात दरअसल ऐसी है कि R-32 या R-410, R-22 ये जो गैसेस हैं, ठीक है, आप किसी टेक्नीशियन को बुलवाते हैं किसी सर्विस करवाने के लिए या आपके एसी में गैस कम हो जाती है या उसकी कूलिंग की परफॉर्मेंस में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, तो आप एक टेक्नीशियन को बुलाते हैं कि एक टेक्नीशियन आपके घर आता है, ठीक है, और वो आपके पास तीन ऑप्शंस रखता है। तीन ऑप्शंस कौन से? वो कहता है कि अगर आप इसमें गैस चार्ज करवाते हैं अच्छी वाली, ठीक है, ओरिजिनल गैस, तो वो गैस आपको पड़ेगी 3500 से 4500 के करीब आपको वो गैस पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन वो देता है कि अगर आप इसमें चाइना वाली गैस डलवाते हैं, ठीक है, तो वो गैस जो है आपको तकरीबन 2800 से 3500 के करीब पड़ जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन वो देता है कि अगर आप लोकल गैस इसमें डलवाते हैं तो वो गैस आपको 1800 से 2200 2500 के करीब आपको वो गैस पड़ जाएगी। हम क्या करते हैं, हम हमेशा सस्ते के पीछे भागते हैं, ठीक है, हम काम सस्ते में हो जाए और अच्छा भी हो जाए, ठीक है, काम या तो सस्ता हो सकता है या अच्छा हो सकता है, ठीक है। हमारे भाई ने जो गैसेस आपको चेक कराई है वो सिर्फ दो क्वालिटीज की चेक कराई है, मैं कंपनी का नाम तो नहीं लूंगा, ठीक है, कंपनी का नाम नहीं लूंगा। तो जो थर्ड क्वालिटी की गैस है वो मेरे आपके जैसे चार दोस्त जो है वो साइंटिस्ट बन गए और उन्होंने एक कंपनी खोल ली और जो है वो अलग अजीब वाली फार्मूलाज तैयार करके R-32 तैयार कर ली, वो वाली गैस, ठीक है। तो ये वो गैस है जो ब्लास्ट करती है, जो फ्लेम को फॉलो करती है, ठीक है। अब कोई कहता है कि एसी ब्लास्ट हुआ है R-32 की वजह से नहीं हुआ, गैस की वजह से नहीं हुआ, देखिए ना मानने वाली बात है। एलपीजी का सिलेंडर अगर ब्लास्ट होता है तो जितने एरिया में गैस फैलेगी, ठीक है, फ्लेम जो है गैस को फॉलो करता हुआ उतने एरिया तक जाता, ठीक है, ऐसे ही। तो अब आप देखें जितनी भी वीडियोस में वीडियोस आपको दिखाता हूँ, आप वीडियोस देखने ये वीडियोस चल रही हैं, ठीक है, जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हैं एसी का कंप्रेसर ने ब्लास्ट किया है तो गैस जहां जहां फैल रही है उसके अंदर जो शोला निकला है फ्लेम है वो गैस को फॉलो कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो गैस है वो डेंजरस है, खतरनाक है, लेकिन वो कंपनी की गैस नहीं है, ठीक है, मे बी मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ज्यादातर जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि आप उसको सर्विस करवाने के बाद या रिपेयर करवाने के बाद या गैस आप उसमें रिचार्ज करवाते हैं उसके बाद ये वाकया पेश आता है, ठीक है। वजह जो आप सी क्वालिटी थर्ड क्वालिटी की गैस जब आप उसमें रिफिल करवाते हैं तो ये वाकया पेश आता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे टेक्नीशियन करते क्या है, एसी को वैक्यूम किए बगैर गैस चार्ज कर देते हैं। R-32 को हमेशा लिक्विड फॉर्म में चार्ज किया जाता है, ठीक है, तो वो
टेक्नीशियंस हजरात को बहुत कम ये बात पता है कि इसको लिक्विड में चार्ज किया जाता है। और दूसरी बात ये कि R32 यूनिट या R34 यूनिट कोई भी हो, एसी कोई भी हो, उसको जब आप सर्विस कर लेते हैं या आप उसके यूनियन को, आप उसका फ्लेयर खोल देते हैं, उसके यूनियंस को खोल देते हैं, उसके यूनियन नट्स को खोल देते हैं, जब आप उसके पाइप्स को अलहदा कर देंगे, आप उसके इनर और आउटर को अलहदा कर देंगे, तो उसके अंदर ऑक्सीजन, ठीक है, पार्टिकल्स उन पाइप्स के अंदर आ जाते हैं, फ्रेश एयर उस पाइप्स के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो जब हम उस यूनिट को रीइंस्टॉल करवाते हैं तो आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि आपके घर जो टेक्नीशियन है वो प्रोफेशनल है, उसके पास वैक्यूम है, वो आपके यूनिट को वैक्यूम करता है रीइंस्टॉलेशन के बाद, ठीक है। वैक्यूम क्या है? वैक्यूम में इसकी गहराई में जाना नहीं चाहता। वैक्यूम बेसिकली मैं आपको सीधे सीधे लफ्जों में बता दूँ, वैक्यूम मशीन आती है एक जो यूनिट्स को वैक्यूम किया जाता है। जब हम यूनिट को रीइंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन रह जाती है, फ्रेश एयर, कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से जब हम उसे उसकी गैस चार्ज करते हैं तो वो चॉकिंग की तरफ आता है, ठीक है। आप टेक्नीशियन के सर पे खड़े हो जाएं, R32 R410 यूनिट जब वो रीइंस्टॉल करेगा, ठीक है, और फ्रेश एयर उसके अंदर होगी, तो बास औकात आपका जो गेज है वो गेज उसकी सुई गैस चार्ज करने के बावजूद ऊपर जाने के बजाय बैक पे जा रही होती है, जीरो की तरफ दौड़ रही होती है, तो ये खतरे की अलामत है। उसने क्या किया, उसके पास वैक्यूम नहीं था, ठीक है, और उसने फ्रेश एयर उसमें से निकाली नहीं, उसे इसी तरह से रीइंस्टॉल करके और आगे से गैस चार्ज करके दे दिया। एक रीजन ये है। अच्छा, दूसरा रीजन क्या है कि जब आप सी क्वालिटी की गैस इसके अंदर रिफिल करवाते हैं तो उसकी जो कूलिंग परफॉर्मेंस है उसमें थोड़ी सी कमी होती है बनिस्बत जो ओरिजिनल गैसेज हैं हमारी। तो टेक्नीशियन हजरात क्या करते हैं, पैसे आपसे ले लिए उन्होंने ओरिजिनल वाले के, लेकिन गैस वो सी क्वालिटी की ही परचेज करते हैं। गैस उन्होंने सी क्वालिटी की परचेज की। अब अगर आप एसी का प्रेशर जो है वो 60 या 65 पे उसको रोकना है तो क्या करेगा, उसको 70-75 पे उसके प्रेशर को होल्ड कराएगा। वजह सिर्फ ये कि आपकी कूलिंग बेहतर दे सके, क्योंकि ओरिजिनल गैस की और एक लोकल गैस की कूलिंग में बहुत फर्क होता है, तो वो उसका प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा देगा ताकि आपको फर्क ना लगे कि गैस जो है वो कूल करे। फिर जब एसी रनिंग कंडीशन में आता है तो ऑलरेडी उसका प्रेशर जो है वो कुछ टाइम के बाद इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो हीट करता है, सर्कुलेट करता है, सर्कुलेशन के बाद उसका टेंपरेचर ऑटोमेटिकली जो है वो 75 से 8500 तक भी जा सकता है। तो उसके बाद जब उसने 65 या 60 का प्रेशर आपका 1 से 1.5 घंटे यूनिट में होल्ड कर रहा होता है और वो आपका 95-100 का प्रेशर होल्ड कर रहा है और उसके बाद वो रनिंग कंडीशन में आने के बाद वो 120-130 पे जब वो प्रेशर जाता है तो उसके बाद क्या होगा, एसी ने ब्लास्ट करना है, ठीक है। दूसरा रीजन ये, ठीक है। तीसरा रीजन कि कोशिश करें हमेशा कि अगर आपका एसी गर्मी में, शदीद गर्मी में 2 बजे से लेकर 3 से 4 बजे तक के दरमियान अगर वो कूलिंग नहीं कर रहा तो आप उसे बंद कर दें, ठीक है। घड़े गधे घोड़े की तरह आपने उसको चला कर लेना। इसका मतलब क्या है कि वो ट्रिप कर गया है, कंप्रेसर उसका ट्रिप कर गया है, वो ओवर हीट हो गया है। जब वो ओवर हीट हो जाएगा आपको कमरे में पता चल जाएगा, रूम टेम्परेचर आपका डाउन होना शुरू हो जाएगा, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आपका कंप्रेसर ट्रिप कर चुका है, आप उसको फौरी बंद कर दें, 1-1.5 घंटे का रेस्ट दें। तीसरा रीजन ये, और सबसे आखिर मैं आपको इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि हमेशा कोशिश करें कि जो टेक्नीशियन, देखें जिस तरह से डॉक्टर्स हिस्ट्री लेते हैं ना पेशेंट की, बुखार कब से है, कितने अरसे से है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या वजह है, पेशेंट डॉक्टर से जो है वो हिस्ट्री लेता है, कहाँ बैठते हैं, कौन से हॉस्पिटल में बैठते हैं, कितने अरसे से आप इस फील्ड में हैं, इसी तरह से अगर आपका एसी टेक्नीशियन आप हायर कर रहे हैं, ठीक है, आप एसी टेक्नीशियन को बुलवाते हैं तो आपको उसकी हिस्ट्री लेनी चाहिए कि कितने वक्त से काम कर रहे हैं, ठीक है, कितना अरसा हो गया, कहाँ कहाँ शॉप थी, क्योंकि
मैं इसकी मिसाल देता हूँ आपको। मेरे पास एक लड़का आया काम सीखने के लिए, ठीक है, एक महीना, महीने में 30 दिन या 31 दिन, 30 दिन उसने मेरे पास काम किया, जिसमें से 15 दिन मैंने उसको झाड़ू पोछा, चाय ले आओ बेटा, खाना लगा दो, इसमें लगा दिया, ठीक है, जो हमारे पाकिस्तानी रूल है, रूल के मुताबिक। 16वें दिन से मैंने उसको यूनिट में गैस होल्ड करना सिखाई, बेटा इसकी गैस को, गैस को जो है वो होल्ड करो, गैस जो है वो लॉक करो, और सर्विस इस तरह से होती है, ये गैस है, इस चीज का ये नाम है, इस चीज का। तो एग्जैक्टली जो मंथ का लास्ट डे होगा 30, ठीक है, 30वां दिन, 30वें दिन वो मेरे पास आता है और वो कहते हो साथ में जो है वो काम छोड़ रहा हूँ। तो भाई क्यों छोड़ रहे हो, कोई वजह, मजा नहीं आ रहा या किसी चीज की कमी है? नहीं, मैं काम छोड़ रहा हूँ, मैं अपना काम छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो हम अपने गिरवान में देख के बात करते हैं हमेशा, हम क्या करते हैं, हाँ ठीक है तुम अपना काम कर लो, तुमने काम सीख लिया, एक महीने में काम सीख लिया, ठीक है। अगले महीने उसने सारे टूल्स परचेज किए, टूल परचेज करने में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, एक एक 20-22 साल के लड़के ने सिर्फ कल निकाल लिया उसने, और एक महीना जो है वो किसी की शागिर्दी में चला, और शागिर्दी में चला, उसके बाद उसने टूल्स परचेज किए, दुकान दे दी 5-6 हज़ार रुपये की, और ऐसी टेक्निशियन बन गया। अब उसको ये नहीं पता कि बड़े यूनिट्स हैं, R32 हो गए, ठीक है, R410 गैसेस और भी बहुत ज़्यादा है, मैं आपको मैं उलझाना नहीं चाहता। इन यूनिट्स को आप VRF पे चले जाएं, ठीक है, VRV पे चले जाएं, ये यूनिट्स जो है वो वैक्यूम किए जाते हैं प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से वैक्यूम करने के बाद इनमें गैस चार्ज की जाती है। अगर आप इन्हें वैक्यूम नहीं करेंगे तो ये लाजमी है 100% ब्लास्ट कर जाएंगे। तो इसी तरह जो R32 यूनिट है वो भी हमारा जब एक बार कंपनी फिटिंग से आया, कंपनी फिटिंग में जब आता है तो उससे कैच लगे उसमें एयर होगी, एयर होल्ड कराने का मकसद क्या है, तो इसमें फ्रेश एयर ना जाए, ठीक है। तो अच्छा टेक्नीशियन होगा, वो आएगा, थोड़ा सा पर्श देगा, पर्श देने का मतलब कि जो इसके अंदर गैस होल्ड है वो एक साइड से लॉक करेगा, यूनिट को टाइट कर लेगा, और दूसरी साइड से उसको हल्का सा पर्श देके फ्रेश एयर को बाहर निकाल के दूसरा वाला यूनिट भी टाइट कर देगा। और एक 2 दिन वाला जो टेक्नीशियन होगा वो इस चीज पर फोकस, उसको ये सीख ही नहीं मिली कि मुझे करना क्या है, उसने सिर्फ यूनियंस को टाइट करना है, उसने गैस जो है वो अनलॉक करनी है, रिमोट से ऑन करना है, आपको कूलिंग चेक करानी है, अल्लाह खैर से अल्लाह आपसे पैसे लेने पहुंचता जाना। तो वीडियो का खत्म करते हैं, उम्मीद है मेरी सारी बातें आपको समझ आई होंगी। टेक्नीशियन अच्छा अपने लिए जो है वो हायर करें, इन चीजों का ख्याल करें कि जो गैस आपने मंगवाई है या गैस जो आपके लिए आ रही है वो ओरिजिनल ही है, ठीक है। ईमानदारी, क्योंकि आजकल हमने नाम की नहीं रही तो हम अल्लाह की कसम भी खा लेते हैं कि हाँ ये गैस ओरिजिनल है, क्योंकि सिलेंडर हमारे पास पुराने होते हैं और शॉप पे आप चले जाएं तो तीनों ऑप्शन होते हैं, आप उसमें ओरिजिनल भी डलवा लें, आप उसमें लोकल भी डलवा लें, आप उसमें चाइना वाली गैस भी डलवा सकते हैं। तो कारीगर आपके भरोसे का होना चाहिए, ठीक है, सस्ते के चक्कर में किसी लोकल कारीगर के पास ना जाएं, जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, 2000 रुपये ज़्यादा लगा लें, काम अच्छी तरीके से करवाएं, काम सॉलिड होना चाहिए। उम्मीद है मेरी बातें आप लोग को समझ आई होगी, और मेरी वजह से अगर किसी की दिल आजारी हुई हो, किसी को मेरी कोई बात भूल रही हो, तो मैं माजरत चाहता हूँ, माफ कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।